हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 7, और इसमें पढ़ेंगे एल आर सर्किट। क्या पढ़ने वाले भाई साहब? एल आर सर्किट, यानी एल आर जिसको बोलते हैं परिपथ। सीरीज में पढ़ेंगे, सीरीज में हम किसको, एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। आर को रेजिस्टेंस। दोनों को किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में। अभी तक जो हमने पढ़ा है सम एक एक था, जितना भी एसी सोर्स जो था उसमें हम लोग क्या किए थे, एसी सोर्स में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ते थे, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, तो एक एक था। अब कंबाइन कर दिए किसको, रेजिस्टेंस को और किसको, इंडक्टर को। अगला लेक्चर आएगा रेजिस्टेंस को और किसको, कैपेसिटर को, और उसका लेक्चर में तीनों एक साथ, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, एकदम आसानी से लेके जा रहे हैं। अरे भाई दोनों को इधर पर, दोनों को इधर पे, दोनों को इधर, इस तरफ मार्कर ध्यान। हाँ ठीक, आइए। तो भाई साहब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एल आर सर्किट। क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज एल आर सर्किट। हाँ गड़बड़ है कुछ की, कॉर्नर में नहीं जाना है, ऊपर कॉर्नर में लिखना है, ठीक है चलो। तो भाई साहब एल आर सर्किट क्या होता है तनिक देख लीजिए, आइए सामने आप लोग। हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसी सोर्स में हम लोग इसमें दो गो चीज को सीरीज में जोड़ेंगे। किस किस को? हाथ आए करिए, ठीक है, बर्बाद कर देंगे मार के, तो आर पूछेंगे तक नहीं। चलिए भाई, तो हम लोग लेते हैं एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं भाई साहब, इंडक्टेंस या इंडक्टर एल। एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सबको पाए उम्मीद है कि करंट निकलेगा, करंट जो आई होगा क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। अच्छा यहां जो करंट जाएगा, इस करंट के वजह से इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल इंड्यूस होगा, यहां का पोटेंशियल का हम क्या बोलते, वी आर बोलते, वी आर बोल देते हैं। यहाँ के पोटेंशियल, अच्छा यहाँ के जो इंडक्टर में पोटेंशियल इंड्यूस होगा, जब ये करेंट ढुकेगा अंदर तो यह पोटेंशियल में क्या होगा, ये इंडक्टर में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर को प्रेरक, प्रेरक में क्या उत्पन्न होगा, पोटेंशियल विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, वी एल। क्या बोलते हैं? वी एल। कितना होगा वो आगे चल कर देखेंगे, पहले तो समझ लेते हैं बात को। अब आइए, अच्छा यहाँ वी बराबर ढूंढना क्या होगा, ऐसे साइन ओमेगा टी बोल दीजिए, अकेले रेजिस्टेंस के लिए साइन ओमेगा टी, इंडक्टेंस के लिए साइन ओमेगा टी माइनस टी साइन ओमेगा टी होता था, ठीक है। और दोनों का कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड करे तो नहीं लिख सकते हैं, तो बाद में लिखने को मिले, देख लेंगे क्या होगा। अब सुनिए हम लोग क्या करेंगे इसको, भाई साहब कहां तू घसर घसर कर रहा है, हम लोग एक एक का अलग अलग करके चलते हैं अभी की। चलिए तो पहले हम लोग वी आर का निकाल लेते हैं ना, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जो किस करंट टाइम के रेस्पेक्ट में, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक और बात, ये जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा वो करंट के पोटेंशियल के सेम फेज में होगा, करंट के सेम फेज में होगा, ये जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा करंट के सेम फेज में होगा, कोई दिक्कत, तो लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब पोटेंशियल हम किसका लिख देंगे, इंडक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात को समझिए, यहां किसका पोटेंशियल लिखने वाले हैं, इंडक्टर का, तो हम वी नॉट साइन, बोलिए बोलिए, हाँ माइनस पाई बाय टू, एकदम गलत, एकदम गलत। आई बराबर ना होता है, आई बराबर ना वी नॉट साइन ओमेगा टी पाई माइनस पाई बाय टू, इंडक्टर का
पोटेंशियल जो है क्या करता है, यहां जो बी एल जो है बी एल वो उसका आई नॉट माइनस में होता है। आप आई नॉट जो होता है वो 90 कम होता है, आई 90 कम होता है, करंट 90 कम होता है, किससे, पोटेंशियल से। फिर से सुनिए, इंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है ना, इंडक्टर पोटेंशियल जो होता है उससे करंट जो होता है इंडक्टर का वो कितना कम होता है, 90 कम, करंट 90 कम कम होता है। नहीं समझे, फिर से सुनिए, ये रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होता है वी और रेजिस्टेंस का जो करंट होता है आई, दोनों सेम फेज, कोई दिक्कत। इंडक्टर का पोटेंशियल जो वी एल है वो आगे होता है करंट से 90, और सुनिए रेजिस्टेंस का जो करंट आई होता है वो 90 कम होता है किससे, इंडक्टर के पोटेंशियल से। अब यो नहीं समझे, अब क्या बोले, इंडक्टर का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में, रेजिस्टेंस का करंट और पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में, और इंडक्टर का करंट और पोटेंशियल सेम फेज में नहीं होता। इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पीछे होता है किससे, पोटेंशियल से, यानी करंट से पोटेंशियल 90 डिग्री आगे हुआ। अगर यहां करंट का लिखते I बराबर तो ना I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय की लिखते हैं, यहां हम क्या लिखते हैं V बराबर, यहां क्या हो जाएगा प्लस, आवाज समझ में, इतनी बराबर करेगा तुमका ना, दोनों भी नॉट भी नॉट है तो एक उपाय करें, एक उपाय करते हैं, इसको मान लेते हैं वी नॉट एल, इसको मान लेते हैं वी नॉट आर, रेजिस्टेंस के लिए इंडक्टर, किसके लिए इंडक्टर के लिए, कोई दिक्कत है ना, ताकि मतलब रहेगा कि वी नॉट बराबर है। अब आइए, और यहां के लिए जो आई नॉट का जो मान होगा पीक करंट का मान, आई नॉट का मान इसका रेजिस्टेंस के लिए आई नॉट का मान वी नॉट बटा आर, वी बटा आर होता है, तो वी नॉट किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो वी नॉट रेजिस्टेंस का क्या जाएगा आई नॉट इनटू आर। अब आइए आगे तनका बोलिए, इसके लिए निकाल लेते हैं आई नॉट मैक्सिमम करंट का मान, आई नॉट मैक्सिमम है होता है यानी पीक करंट, आई नॉट का होगा भी बटा एक्स एल, तो भी नॉट बटा में एक्स एल, तो भी नॉट को भी नॉट एल लिख दे, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें भी नॉट में, ये भी नॉट किसका, भी नॉट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल या पीक वैल्यू पोटेंशियल का, कि और ई भी नॉट किसका मतलब ये रेजिस्टेंस का पीक वैल्यू, रेजिस्टेंस का पीक वैल्यू भाई किसका, कंडक्टर का पीक वैल्यू यानी वोल्टेज, इंडक्टर का, कोई दिक्कत। अब आइए, तो हो गया यहां, अब हम वी नॉट किसका एल क्या जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा अलग देते हैं हमको फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करना सोचा, ये फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस के लिए बनाएंगे और किसके लिए भी, इंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए और इंडक्टर के लिए। आइए तो रेजिस्टेंस के लिए मैं करंट और करंट भी इधर होगा और पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में होगा वी आर, दोनों से डायरेक्शन रजिस्टर के लिए ठीक, इंडक्टर के लिए करंट 90 पीछे होता है पोटेंशियल आगे होता है, पता नहीं होता है, तो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू से डिनोट करते हैं आई नॉट और ई वी, तो वी नॉट किसका हो गया आर का, तो यहां हो जाएगा किसका वी नॉट एल का, करंट ये है आई नॉट और ये क्या है वी नॉट किसका, इंडक्टर का, आई से 90 डिग्री आगे है कि नहीं है, और यहां दोनों सेम में है करंट और किसका रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पीक वैल्यू, पोटेंशियल का पीक वैल्यू ठीक है, और यहां करंट और
पोटेंशियल का पीक वैल्यू किसका? इंडक्टर। कोई दिक्कत बात सुनना ना, नब्बे डिवाइड होता है ना भाई, दोनों को कंबाइन किए हैं, दोनों को कंबाइन किए हैं, करेंट तो दोनों का इधर रहेगा ना भाई, करेंट तो इसी रहेगा दोनों का, लेकिन इसका जो नेट जो पोटेंशियल जो होता है रेजिस्टेंस का पीक वैल्यू, पोटेंशियल रेजिस्टेंस का पीक वैल्यू पोटेंशियल जो होता है वो सेम रिएक्शन में सेम फेज में होता है, होता है। और इंडक्टर का जो सेम वैल्यू पोटेंशियल जो होता है पीक वैल्यू पोटेंशियल 90 डिग्री आगे होता है करंट से, करंट पीछे होता है। चलिए अब इसका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? बीच से इधर होगा वी नॉट। तो नेट के लिए आप क्या कर दे, वी नॉट बराबर वी नॉट आर प्लस में वी नॉट एल। गलत, सीधे नहीं जोड़ेंगे इस वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी से। ऐसे तो हम एस एच एम से भी जोड़ते लेकिन वो मतलब टप लगेगा, तुम भुलाव ला गए होंगे कि एस एच एम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हम वेक्टर ऐसे कर लेते हैं कि 90 डिग्री दोनों के बीच में कौन है, 90 डिग्री दोनों के बीच में कौन है, तो वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट कोई दिक्कत रूट इधर चला गया देखा जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बराबर वी नॉट का मान सर रूट में ले लेना, वी नॉट आर का मान कितना है, आई आर, आई नॉट आर, आई नॉट आर इसका स्क्वायर, वी नॉट एल का मान आई नॉट एक्स एल इसका स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, वी नॉट बराबर हो गया आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, यो में आई नॉट का स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर। आइए वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अरे आई नॉट कॉमन ले सकते हैं ना, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन लीजिए आर स्क्वायर प्लस एस एल का स्क्वायर, वी नॉट बराबर आई बाहर हो जाएगा तो क्या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई नॉट, अब सुनिए यहाँ आइए, तनिका वी नॉट बराबर आई इंटू आर लग रहा है, वी नॉट बराबर आई नॉट, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर लग रहा है क्या, ये पूरा आर है, इस आर को सिंपल आर नहीं बोलेंगे, इस आर को हम बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं जेड, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको जेड बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस नहीं होता इस जेड को बोलते हम लोग, ये रेजिस्टेंस हो जाता है इम्पीडेंस हो जाता है, क्या होता है इम्पीडेंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, इस बार सेंटर एग्जाम में व्हाट इज प्रतिबाधा, इम्पीडेंस रिएक्टेंस अल्टरनेटिंग करेंट उसी में था ना। चलिए आइए, अब तो समझ में आ गया कि ये इम्पीडेंस क्या होता है, अब हम इम्पीडेंस का अगर मान लिखे जेड बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर यही ना जेड पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये जेड का मान हो गया, कोई दिक्कत। अरे चलो हम इस ग्राफ को लेते हैं और छेड़छाड़ करते हैं थोड़ा, आइए ये ग्राफ को लेके थोड़ा और, एक करेंट हो गया आई नॉट, बहुत जगह सुनिएगा ध्यान दीजिए, ये जगह वी नॉट नहीं होता है, डायरेक्टे वी आर यहाँ होगा और यहाँ डायरेक्टे वी एल होगा, लेकिन भाई अलग चीज अपना अपना समझाने का तरीका है, किताब में आप देखिएगा सर यहाँ वी आर है सर यहाँ वी एल है, घबरा गया आप तो वी नॉट लिखते हैं, अरे अपना स्टाइल है लिखने का। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट लिखते हैं ना भाई, तो ये वी नॉट दोनों जगह अगर वी ए नॉट रहेगा ना तो घबराएगा ना, तो यहाँ हम एल कर देते हैं क्योंकि हो गया इंडक्टर के लिए, यहाँ आर कर देते हो गया रेजिस्टेंस के लिए, के इसका नेट क्या है वी नॉट। अच्छा यहाँ पे हम वी नॉट एल को के कोई कानून है क्या, आइए है काम है ना सर,
ये निकालने हैं, फालतू में निकाल दिया क्या है, पागल समझ रहे हम लोग। आइए बताते कैसे कर रहे हैं। आइए आइए इधर तो पांच छोड़कर एन छोड़, आइए वी नॉट एल मैक्सिमम पोटेंशियल जो है किसका, इंडक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल या पीक पोटेंशियल किसका, इंडक्टर का, किसका इंडक्टर का कितना है वी नॉट, इसका मान कितना होगा, बोलना रहा है XL, इसका मान बताओ मैक्सिमम पोटेंशियल रेजिस्टेंस का I नॉट R। अच्छा तुम लोग में I नॉट कॉमन है, हटा दिया जाए और जाए और जा तू यहाँ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आर लिख देते हैं, डायरेक्ट आर डायरेक्ट ई एक्स एल, इसका जो रिजल्टेंट होगा वी नॉट होगा क्या, नहीं रे जेड होगा, जेड बराबर नहीं हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर जोर एक्स एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल के जब एक और चीज लिख सकते हैं क्या, धन्यवाद को रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत। आई जेड जो है इसका भी जो एस आई यूनिट होगा, यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा, क्या होगा, अरे ये टेंस हो रेजिस्टेंस हो इम्पीडेंस हो सबका, क्योंकि सब रेजिस्टेंस का रूप है, हाँ रिएक्टेंस का भी ओमे होगा, प्रतिघात का एक तो प्रतिबाधा है, कोई दिक्कत आया समझ में क्या, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो ना है, पूरा आइटम के लिए टन टन हाँ एक और बात, एक और बात सुनिएगा, वी नॉट जो है यहां से कितना डिग्री आ गया है, ओमेगा हो गया ना, इसीलिए फाइव बोलेंगे, क्या बोलेंगे फाइव, पहले जो था ई जो सुनिए रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो था पीक पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में, और ये इंडक्टर का जो पीक पोटेंशियल था, इंडक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल करंट से कितना आगे था 90, लेकिन अब 90 आगे नहीं है, अब यहाँ पे आके टक गए दोनों, अब फाई ही आगे है, अब क्या अभी भी करंट पीछे, अभी भी नेट पोटेंशियल से करंट पीछे, करेक्ट है नेट पोटेंशियल से करंट पीछे, अभी भी देख पीछे करेंट lags behind potential by high से लैग कर रहा है, अब 90 से लैग नहीं कर रहा, फिर समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि उस समय जब अकेले था इंडक्टर, सॉरी जब अकेले था रेजिस्टेंस, तो दोनों जो है सेम फेज में चलने का कोशिश किया, पोटेंशियल करंट दोनों सेम फेज में चलने का कोशिश किया, जब दोनों जब अकेले इंडक्टर आए तो वो कहा कि हम पोटेंशियल को 90 डिग्री आगे लेके चलेंगे करंट से, तो करंट को 90 डिग्री पीछे छोड़ दिया, पोटेंशियल 90 डिग्री आगे हो गया। अब सुनिए यहां रेजिस्टेंस चाह रहा था क्या, क्या चाह रहा था कि करंट को साथ रखें, यहां पोटेंशियल चाह रहा था हम करंट से आगे जाए, इधर पोटेंशियल खींच रहा था यानी रेजिस्टेंस खींचा, दोनों को लाग के बीच में रख दिया, बीच में 45 डिग्री पर हो गया, कितना डिग्री, लेकिन फाई एंगल पर है, क्यों कम हुआ मालूम हो गया, क्योंकि इधर जो है रेजिस्टेंस है उस इसमें, इससे पीछे वाला में क्या था, यहां सिर्फ रेजिस्टेंस था और सिर्फ इंडक्टर अलग अलग था, सिर्फ रेजिस्टेंस था तो दोनों साथ चलने का कोशिश किया, बात को समझिएगा आप, दो बार तीन बार सुनिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा, इसलिए एक बार तो दो बार बोलते हो, सिर्फ रेजिस्टेंस था तो करंट और पोटेंशियल सेम चलने का कोशिश किया, सिर्फ इंडक्टर था तो पोटेंशियल आगे चला करंट 90 पीछे रह गया, ठीक है
लेकिन जब दोनों को साथ लिए, दोनों को साथ जब लिए तब क्या हुआ, तब से फाई आगे हुआ कौन पोटेंशियल, अभी भी करंट लैग कर रहा है कितना से, फाई से, क्योंकि रेजिस्टेंस चाह रहा है कि हम नहीं खींचे करंट को खींचे, ठीक है, इधर से पोटेंशियल खींच रहा है, इधर से करंट रेजिस्टेंस खींच रहा है, ठीक, कोई दिक्कत, इसलिए जो है अभी भी करंट यहां है और जो है पोटेंशियल चाह रहा है कि हम 90 डिग्री आगे बढ़ जाए, इंडक्टर इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो चाह रहा है करंट से 90 आगे रहे, लेकिन ये जो कौन पोटेंशियल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो है ये इंडक्टर के पोटेंशियल को घींच करके करंट की तरफ लाने का कोशिश किए, अकेले था रेजिस्टेंस सेम में था, इंडक्टर अकेले था तो करंट से 90 आगे था, जब रेजिस्टेंस के जोड़े कौन आया, इंडक्टर, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर, प्रतिरोध के साथ कौन आया, प्रेरक, प्रेरण आया, तो प्रतिरोध का जो पोटेंशियल होता है, प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है, उन्होंने क्या किया, प्रेरण के विभवांतर को करंट की ओर खींचने का कोशिश किया और कोशिश किया 90 से कुछ तो कम कर दिया, लेकिन अभी भी पोटेंशियल आगे है करंट से, कितना, फाई आगे है और करंट पोटेंशियल से पीछे है। अब आइए इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखे, माइनस पाई बाई टू, माइनस फाइव, वाह वाह फिर आ दिया है, गलत जवाब, माइनस फाइव गलत जवाब, प्लस फाइव, करेंट के लिए माइनस फाइव अगर है, अरे वाह प्लस फाइव नहीं समझ में आया, एक बार और आ गया समझ, अरे ये समझ में आ गया थोड़ा सा, तू जो तेज विद्यार्थी है मोबाइल में जो देख रहा है ये लोग तेरी कमजोर विद्यार्थी है, ठीक है, समझ में आना चाहिए ना भाई, तुम लोग तो क्लास के बाद पूछ लेगा, लेकिन ये लोग कैसे पूछे, कमेंट सेक्शन में, अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसा लगा भाई, देखिए अगर तुमको दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट ना करके पहले आप एक बार दोबारा देख लीजिए, जो बात बोल रहे हैं उसको दोबारा सुनिए, क्योंकि हम कोशिश किए दोबारा तिमारा बोलने का एक बात को, ठीक है, तो भाई साहब फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक क्या करना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।